आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीएल बैंक के Q1 के रिजल्ट। आरबीएल बैंक के Q1 के रिजल्ट आ गए हैं, चेक कर लेते हैं कैसे रिजल्ट आया। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को चेक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। उसी के साथ साथ बता दूँ, देवयानी आईपीओ, विंडलास्ट आईपीओ और कृष्णा डायग्नोसिस, तीनों ही आईपीओ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन चुका है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इनकम की बात करें 2,72,000 का, लास्ट क्वार्टर 2,65,000 का था, लास्ट ईयर 2,59,000 का था। तो वाई एंड वाई तो ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू भी आपको इनकम में ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। प्रोविजनिंग की बात करें 1,42,000 का, लास्ट क्वार्टर 76,000 का था, तो प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल हो गया है आरबीएल बैंक का। तो काफ़ी पूरा प्रोविजनिंग का फिगर आया है, 50,000 लास्ट टाइम था तो उससे भी डबल से ट्रिबल हो गया है लगभग, मैं कह सकता हूँ वाई एन वाई बेसिस। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो 45,000 का लॉस आया है, 45,947 रुपीज़ इन लैक्स में कंपनी को लॉस आता हुआ देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर 7,534 का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर 14,000 का प्रॉफिट था। तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रोविजनिंग काफ़ी तगड़ी की है बैंक ने। अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व रेशियो की, तो आई गेस वो एडिकेसी रेशियो की तो 17.15 है, तो वो ऑलमोस्ट ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ईपीएस की बात करें तो 2.78 का पॉजिटिव ईपीएस, 7.68 का नेगेटिव हो गया है, 1.25 का पॉजिटिव ईपीएस, 7.63 का नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिजल्ट काफ़ी पुअर आते हुए देखने को मिल रहे हैं और शेयर में वैसे भी कोई परफॉर्मेंस है नहीं, तो मुझे रिजल्ट आरबीएल बैंक के कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे। एनपीए भी बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, नेट एनपीए गिरा है लेकिन ग्रॉस एनपीए बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस, वाई एंड वाई बेसिस तो दोनों ही बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे रिजल्ट उतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे आरबीएल बैंक के। अगर किसी के पास है तो आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, मैं होता तो मैं तो निकल गया होता कभी का।